लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल कर दें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं इस्माइल, आप देख रहे हैं ज़र्फ़ी टेक। कभी हमारे फ़ोन से कोई फ़ोटोज़ गलती से डिलीट हो जाते हैं या कोई दूसरा आदमी डिलीट कर देता है, फिर हमें बहुत दुख होता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी डिलीट हो गई। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके साथ इस तरह नहीं होगा। जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। सिंपली आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे रिकवर डिलीटेड फ़ोटोज़। और इसके बाद जो एप्लीकेशन आपको रिकवर डिलीटेड ऑल फ़ोटोज़ ये आपको अपने आप नज़र आएगा, आपको इसे ओपन करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है आपको। फिर जैसे आप इसे ओपन करेंगे ये परमिशन मांगेगा, अलाउ दे दें। फिर इसके बाद एक चीज़ जहन में रखें, ये आर्ट्स के साथ ये एप्लीकेशन आती है, आर्ट्स आपको डिस्प्ले होंगे। अगर आप नहीं चाहते कि आर्ट्स डिस्प्ले हों तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। 430 रुपये में ये एप्लीकेशन आपको कम्प्लीटली मिल जाएगा। वैसे आर्ट्स के साथ कभी कभार एक दो दफ़ा यूज़ करना पड़ता है, वैसे ही यूज़ करें, कोई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। आप इसे रिकवर पे आप क्लिक करेंगे तो सारे फ़ोटोज़ आपके सामने आ जाएंगे। सिंपली आप मार्क करते चले जाएं और जितने फ़ोटोज़ आप मार्क करेंगे, मार्क करने के बाद आप नीचे वाले रिकवर पर आप क्लिक कर दें। इसके बाद दो चीज़ें आपसे ये पूछेगा, आप इन फ़ोटोज़ को गूगल ड्राइव पर या ड्रॉप बॉक्स पर कहीं ले जाना चाहते हैं या आप अपने फ़ोन स्टोरेज पर स्टोर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। सिंपली आप दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। इनकेस दूसरे वाला ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको ये चीज़ें फाइल मैनेजर में ख़ुद जाकर ढूंढनी पड़ेंगी। फाइल मैनेजर बैकअप एंड रिकवरी इस नाम से एक फ़ोल्डर होगा, उसे आप ओपन कर लें। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फाइल मैनेजर मैं अभी ओपन करूँगा और इसमें इंटरनल स्टोरेज में जाने के बाद पहले वाला जो फ़ोल्डर मुझे नज़र आएगा बैकअप एंड रिकवरी, इसको आपको ओपन करना है और यहाँ आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जो नए अहबाब चैनल पर आ रहे हैं सबसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करे बगैर ना जाएं और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।